मेरी टैक्सी को भी यही खराब होना था। कितनी डरावनी जगह है ये, कच्चा टोभा। बहुत किस्से सुने इस जगह के कि कोई कुल्हाड़ी से लोगों की जान ले लेता है। रमन प्लीज, मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। सॉरी डार्लिंग, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? देख के चलो। और वैसे भी अंधविश्वास है, इन पे ज्यादा विश्वास मत करो, ठीक है? ये आवाज कैसे है? अरे ये तुम्हारी पायल की आवाज है। जरा ध्यान से सुनो, आई तुम्हें आवाज? हाँ हाँ यार, ये आवाज तो पीछे से आ रही है शायद। पीछे तो कोई भी नहीं है। कलरफुल बर्ड्स है यार, उसकी तरह ही सेम है ना। हाँ, कितनी अच्छी। वो क्या भाग रहा है? अरे हाँ, वो क्या भाग रहा है? ये लीजिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो चलो बच्चों, कम ऑन किड्स, सब लोग यहाँ आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। ऑल सेट? यस मैम। चलो फिर, वक्त आ गया है समर कैंप की शुरुआत करने का, आप सबको अपने पहले टास्क से परिचित कराने का। अरे मैम, हम सब अभी तो आए हैं और आते ही टास्क। अरे यार, इतनी भूख लग रही है, मैम को भी खाना खाने के बाद टास्क देना चाहिए ना। प्रशांत, मैं सब सुन रही हूँ। सॉरी मैम। इसमें सॉरी की क्या बात है, हम खाना खाने के बाद पहला टास्क शुरू करेंगे। ओके okay? yeah! एक मिनट, एक मिनट। इससे पहले आप शहरी लोग अपनी मनमर्जी करना चाहे, ये जंगल के कुछ कायदे और नियम आप लोग समझ लीजिए। कौन हो आप लोग जो हमें कानून का पाठ पढ़ाने चले आए? अरे हम इसी गांव के रहने वाले हैं मैम साहब, खुद को अपना मेजबानी समझ लीजिए। मेजबान? ये तरीका आप लोगों के अतिथि सत्कार करने का, ये हाथ में लट लेकर क्यों आए हो? माफी चाहते हैं, हमारा इरादा आप लोगों को डराना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मरक्षा करना था। इस कस्बे का हर इंसान, बूढ़ा जवान या तक कि बच्चा भी हथियार लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों, यहाँ बहुत जुर्म होते हैं क्या? ना, जुर्म नहीं होता यहाँ पे, मौत का तांडव होता है। तांडव, और मौत का तांडव जिसकी उंगलियों के इशारों से होता है, उसका नाम है जुलाकी। मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे ना, अब सुन लिया खुद गांव वालों की जुबानी। मैम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए मिस्टर सुखी। मैम, बच्चों को गांजिम ले जाना ठीक नहीं होगा, वहाँ एक सड़क है, कच्चा तौबा। और अब आप कहेंगे कि उस सड़क पर कोई घूमता है जो लोगों की जान लेता है? ये अफवाह तो मैंने भी सुनी है मिस्टर सुखी, ट्रस्ट मी, इसमें कोई सच्चाई नहीं। और शायद आपको नहीं पता, इस साल जिस स्कूल का समर कैंप सर्वश्रेष्ठ और अनोखा होगा, उसे 15 लाख का इनाम मिलेगा स्टेट सेंटर की तरफ से। मैं जानता हूँ, मगर पैसों के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरों में डालना ठीक नहीं है। मैं इस स्कूल की हेड हूँ मिस्टर सुकेश, और आप एक मामूली अध्यापक, इसलिए आप अगर मुझे समझदारी का पाठ ना पढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। हमें पता था कि कोई ना कोई हमें इस बेकार से अफवाह से डराने जरूर आएगा, लेकिन मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती।
जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं, वो एक सच्चाई है जो बरसों से चली आ रही है। और सच्चाई सूरज की तरह होती है, अपनी आंखें बंद कर लेने से उसकी रोशनी खत्म नहीं होती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, 21वीं सदी में इस तरह के बकवास बातें करके बच्चों के दिलों में डर पैदा कर रहे हो। अगर बच्चों की इतनी फिक्र थी तो उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, हाँ कच्चा टोबा से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाओ, ठीक है? हाँ, अगर शहर से दूर हरियाली का मजा लेना है तो कस्बे में दूर अपना तंबू गाड़ लीजिए ना। यहाँ पर रहना मतलब मौत को दावत देना है, मौत को दावत। देखिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया, इसके बाद आगे क्या करना है इसका फैसला आप हम पे छोड़ दीजिए। नमस्ते। ठीक है, आप लोग अपने जिद पर अड़े रहिए, हमें इससे क्या। ठीक है, तो बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। चल चंदा, चल बीमा। पूरा मूड खराब कर दिया इन गांव वालों ने। मम्मी, क्या जुलाकी सचमुच आने वाले हैं? नहीं बेटा, कोई नहीं आएगा, डरो मत। कम ऑन किड्स, अब से 20 मिनट बचे हैं, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको आपका पहला टास्क बताऊंगी। हमारे पहले टास्क का नाम है छुपा छुपी। लेकिन मैम, छुपे का कौन और ढूंढे का कौन? बिनी छुपेगी आपकी मम्मी, आपकी मम्मी जंगल में जाकर छुपेंगी और उन्हें ढूंढेंगे राहुल के पापा। टास्क बहुत अच्छा है मैम, मजा आएगा। मजा? अब तुम देखना ये मजा कैसे साझा में बदल जाएगा। बच्चों, और एक बात, जंगल में आपके पेरेंट्स के साथ हमारे एक बहुत बहादुर टीचर भी जाएंगे, उनका नाम है मिस्टर सुकेश। आप ही मिस्टर सुकेश जी? चलिए रेडी हो जाइए, आप लोग भी, कम ऑन लेट्स एंजॉय। मैम, आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई लौट कर भी नहीं आया है और न ही किसी की सिटी की आवाज आई है, इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। मैम। जी मैम। जरा जाकर देखो ना क्या हुआ। ओके मैम। मैम, इतनी देर हो गई है, कहीं ये लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? सुकेश! अरे चाहकर भी रास्ता नहीं भटक सकते, सबके पास कंपास है और मोबाइल का नेटवर्क भी तो पूरा आता है यहाँ पर। सुकेश! ये तो महंत की आवाज है।
फिर मुझे नेगेटिव आंसर मत दो। मिलने रहे का क्या मतलब है? हा? सारा जंगल छान मारो, उन बच्चों को और उनके माँ बाप को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। जाओ। तो आप लोगों को लगता है कि ये सारा किया धराया उस जुलाकी का है? पता नहीं जुलाकी ने किया है या किसी और ने किया है, पर जिंदगी भर मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। तो मैं यहाँ समर कैंप लाने की जिद करती और ना ये सब होता। देखिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुलाकी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं है। सारी लाशों पर कुल्हाड़ी का सिर्फ एक एक घाव का निशान। मतलब खूनी ने कुल्हाड़ी के एक एक वार से सबका काम तमाम कर दिया। हाँ सर, कुल्हाड़ी के जख्म के अलावा और कोई निशान नहीं इनके शरीर पर, एक खरोच तक नहीं। वही तो सारिका, अब जरा सोचो, किसी एक इंसान पर अगर किसी ने खुलाड़ी का वार किया तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे? भागते दौड़ते चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई करते, कुछ खरोंच के निशान तो होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये ऐसे ही खड़े थे। अच्छा, यहाँ कुल मिलाकर चार लाशें मिली हमें, तो क्या इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें एक साथ आ रही थी या फिर अलग अलग वक्त पर? हमें तो एक ही चीख सुनाई दी थी सर। एक चीज? हाँ सर, पहले तो वो दहशत वाला नजारा देखने को मिला, उसके बाद जब कैंप में वापस आए तो बच्चे बाकी टीचर्स और पेरेंट्स का कहीं उनका भी ये हाल ना हो सर। देखिए, घबराइए मत, बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मुझे तो बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? उनके पेरेंट्स कहाँ गए, क्या बताऊंगी मैं? वाकई केस तो बड़ा अजीब है, क्राइम सीन को देख के लगता है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं। क्या सच में जुलाकी? जुलाकी नहीं, ये काम किसी गिरोह का है। अरे ये देखो, ये देखो, यहाँ इसके नाक पर ये कुछ है, कुछ केमिकल सा लग रहा है ना? कपूर जैसा लग रहा है। कपूर? कपूर को क्यों जलाया? कपूर के साथ साथ अफीम भी है तारे का। अब बात समझ में आ गई तारे का, किसी ने कपूर और अफीम का मिश्रण सुंघाया इन्हें। उन बेचारों को तो पता भी नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। अनुराधा जी, अब आप लोगों को अभी शहर वापस चले जाना चाहिए। नहीं सर, जब तक बाकी लोग नहीं मिल जाते
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर ये जगह खतरे से खाली नहीं है। अनुराधा जी, दया से ठीक कह रहे हैं, इस जगह रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो आप चले जाइए ना, लेकिन बाकी लोगों के मिलने तक मैं यही रहूंगी CID के साथ। देखिए ये स्कूल नहीं है, ये जंगल है। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है मैम, आप हमारे फॉरेंसिक डॉक्टर्स के साथ यहाँ बेस कैंप पे रुक सकती है, मगर हाँ कहीं जाने से पहले हमें बताइएगा जरूर। तो ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है पंकज। सर इनको जरा सड़क तक छोड़ कर आ जाओ। सर मैं? हाँ तुम, क्यों डर लग रहा है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा सर, डरना तो उस जुलाकी को चाहिए। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरे हाथों से खून हो जाएगा। आपको तो वो जिंदा चाहिए ना सर। ये जुलाकी है या नहीं ये पहले भी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। मैं निखिल को लेके कच्चा टोपर सड़क पर जाता हूँ, देखते वहां क्या पता चलता है। ठीक है, तब तक मैं श्रेया गांव वालों से पूछताछ कर लेते हैं। सर 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 ये जगह बहुत खतरनाक है सर। सर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही सर, अपने अपने लिए नहीं सर, आप लोगों के लिए सर, आप लोगों के लिए टेंशन हो रहा है सर मुझे। सर सर आप वो गांव में जा रहे हैं, आप सीरियसली वहां जाना चाहते हैं सर? पता नहीं वहां पे कुछ भी हो सकता है ना सर। और सर वो कच्चा टोबा सर, क्या नाम है उस जगह का सर? मतलब आप लोग सर, मुझे प्लीज टेंशन हो रही है सर आप लोगों की। टेंशन मतलब हम देख लेंगे सर। अरे छोड़ यार सर, प्लीज एक घंटे में इधर एक राउंड मारने आ जाइएगा सर प्लीज। इस दुकान में कपूर के बारे में पता कर लो, तब तक मैं गांव वालों से बात कर लेता हूँ। सुनिए भाई साहब। हाँ मैडम, नमकीन या ठंडा, मतलब कोल्ड ड्रिंक? देखिए मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, मैं एक CID ऑफिसर हूँ अभिजीत। मुझे कपूर चाहिए था, मिलेगा ना आपकी दुकान पे? कच्चा टोपा के पास कुछ लोग लापता हो गए हैं और कुछ लोगों का खून हो गया है। खून? मार डाला? खून कहीं कुल्हाड़ी से तो नहीं हुआ ना साहब? हाँ कुल्हाड़ी से हुआ। फिर इसका मतलब वो जुलाकी का काम होगा। हाँ लगता जुलाकी के बारे में काफी कुछ जानते हैं आप लोग। हाँ साहब, जुलाकी एक टूरिस्ट था और जंगल में कुछ लुटेरे ने उसको खून कर दिया था साहब। साहब इतनी बहरमे से उसे मार डाला कि कुल्हाड़ी से उसका चेहरा ही काट डाला। अब वो जंगल में मुखौटा पहन के कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहता है। हाँ साहब जी, कुछ दिन पहले एक टैक्सी वाला बता रहा था, उसने एक आदमी और एक नई नवेली दुल्हन को देखा था कच्चा तौबा पर गायब होते हुए। हाँ हाँ है ना, क्यों नहीं। कितना तुम? इतना सारा। इतना सारा कपूर? हाँ मिलेगा ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप पैसे देंगी तो मैं दूंगा ही ना। आप रुको मैं लाता हूँ। एक मिनट सुनिए। हाँ कपूर के साथ अगर थोड़ी सी अफीम भी मिल जाती तो दोनों को साथ में जलाऊंगी ना, तो सब ऐसे मदहोश होंगे कि मजा आ जाएगा। आज आप मांगने आई हैं? आज मैं क्यों मांग रही हूँ, मतलब रोज कोई और मांगता है क्या? पूरी कुंडली निकाल रखी है आप लोगों ने जुलाकी। अब ये भी बता दीजिए कि किन किन लोगों ने खुद अपनी आंखों से जुलाकी को देखा है। मैंने तो नहीं देखा साहब। हाँ मैंने भी नहीं देखा। नहीं साहब हमने नहीं देखा। क्या बात है, खुद किसी ने नहीं देखा लेकिन कहानी सुनाने में सब एकदम आ गए। साहब एक कहानी नहीं सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि जुलाकी आपके दिलों में है, आप लोगों का डर है जिसने इस बेकार की अफवाह को इतना बड़ा बना दिया है। नहीं नहीं आप गलत समझ रही हैं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे दुकान पे अफीम नहीं मिलती। अरे जाने दीजिए ना भाई साहब,
देखिए थोड़ी सी अगर हो तो दे दो, मैं आपको दाम भी सही दे दूंगी। मैम मैं बताया ना अफीम नहीं बेचता मैं, मेरी दुकान पे नहीं मिलती। CID किसे बेचते हो ये सब बोल? चंदा को। वही खरीदती है। कहाँ है चंदा? जुला की सच्चाई है या अफवाह इतना समझ लीजिए उसका खेल अब खत्म होने वाला है। वो है चंदा, पीले कपड़ों वाली। इतने सारे पानी के ग्लास, खाने के प्लेट्स, चाय के ग्लास, लगता है इस इलाके में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। डीजल ये पंक्चर टायर डीजल, हम लोग सही रास्ते पे हैं। चलो आगे देखते हैं। किसी दुल्हन की ज्वेलरी लग रही है और ये आदमी का जूता भी। लगता है उन बच्चों और उनके पेरेंट्स के अलावा और भी कोई है जो इन लोगों के शिकार हुए। ठीक वैसे ही कैंप है जैसे बेस कैंप में और लाशों के पास मिला था। लगता है वो बच्चे और उनके माँ बाप यहीं कहीं हैं। वो तो कहीं दिख नहीं रहा सर, घाव बहुत ज्यादा है, आप बेस कैंप चलिए प्लीज सर। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आजकल फिल्में बहुत देखती हो तारिका, मर्द हूं पर दर्द होता है, जिंदा हूं मैं भी। अरे दया हाँ भाई, मैंने तो सुना मर्द को दर्द नहीं होता है। हाँ सर, वो मर्द ऐसे होते हैं सर।
देखा, ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा है। अरे तभी तो दया दया है भाई। एक बार उस जुलाकी की गर्दन मेरे हाथ में आ जाए, रस्सी की तरह लंबा कर दूंगा। उसने आपको कुल्हाड़ी फेंक कर मारा सर, आपने देखा उसे कैसा दिखता है वो? हाँ, लंबा चौड़ा है, किसी हुए कपड़े पहने थे, एक अजीब सा लोहे का मुखौटा और वो कुल्हाड़ी। अरे क्या सर, एक चाय भी आप ढंग से नहीं बना सकते? पंकज, मैं चाय नहीं बना रहा हूं, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जुलाकी उन केमिकल्स का करता क्या था। सॉरी सर, मुझे लगा कि आप अपनी वो फेमस चाय बना रहे हैं। सर शट अप। देखो, इतना तो समझ में आ चुका है कि अफीम और कपूर से वो लोगों को बेहोश कर रहे थे, लेकिन अभी बस ये हरी केमिकल की गुत्थी सुलझनी बाकी है। सर मुझे तो लगता है कि कोई पागल वैज्ञानिक है और वो जो ये सब आड़े तेड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। सर बस मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर था। हाँ सर, और उसके साथ उसके पालतू आदमियों की फौज भी होगी, ये सब वो अकेला नहीं कर सकता। सर मुझे तो लगता है कि जरूर उन पे नजर रख रहे हैं, वरना हम तो वहां दबे पांव गए थे। फिर उनको ये पता चला कैसे कि हम किस दिशा से आ रहे हैं? अगर नजर रखे हुए तो रखने दो। लेकिन उसने यहाँ आके हमला कर दिया तो? अगर हमला करना होता तो हमला कर दिया होता। मुझे लगता है कि जंगल में ऐसा कुछ है जो वो चाहता है कि और किसी की नजर ना पड़े उस पे। सर फिर तो हमें यहाँ जंगल से चले जाना चाहिए। सर मतलब जंगल के कोने में चले जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए सर कि कुछ मिले। देखेंगे पंकज, आज रात को ही देखेंगे। जिस जगह पे उसने उस जुलाके ने हम पे हमला किया था, वहां से आगे देखते हैं, उसका अड्डा वहीं कहीं आसपास होना चाहिए। सर जुलाके के आदमी कितने हमें ये नहीं पता है, और आपकी चोट भी बहुत गहरी है, बस मुझे उसी की फिक्र हो रही है। फिक्र तो अब उसे होना चाहिए, उसके दिन गिनती के हैं। सर इस चंदा का तो हुलिया ही बदल गया है, दिन में तो गांव की गोरी थी और अब वेस्टर्न कपड़ों में आ गए। गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, देखते हैं और कितने रंग बाकी हैं इसके। कैंप की तरफ जा रही है। सर इसे अभी पकड़ लें? नहीं नहीं, देखते हैं करने क्या वाली है। क्या हुआ सर, फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? फिर से मतलब प्रॉब्लम होगी सर? मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कर सालू के, कुछ कर, नहीं तो प्रद्युमन चिल्लाएगा। नजर का चश्मा पहनता है, बुद्धि का चश्मा पहन के काम किया कर यार। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? ऑफकोर्स सर। तो चुपचाप खड़े रहो बस। पंकज बात यह है कि हरी चीज हमें लगा था ये कोई खास केमिकल है, पर अब हमें पता चल रहा है कि ये तो एक साधारण सा केमिकल है जो हर जगह हर लैब में मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल यहाँ पे इस जंगल में क्या कर रहा है? वही तो, मुझे लगा जुलाकी सारी दुनिया से बचा करके यहाँ गुपचुप में कुछ खास केमिकल बना रहा है, लेकिन ये तो साधारण केमिकल। पौधा पार निकला चूहा। सर चूहा चूहा
सर ये देखो, ये पेड़ पे निशान देख रहे हो? तो पेड़ पे क्यों निशान बनाया गया? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो पेड़ पे निशान लगाते हैं वैसे निशान तो नहीं है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं, जुला के डिपार्टमेंट का काम लगता है, ताकि उसके आदमी रास्ते भटक न जाए। ट्रक की आवाज? ट्रक जंगल में? हॉर्न नहीं बजा रहा है। ये हॉर्न नहीं, सिग्नल है। चलो देखते हैं। क्यों में से आवाज आ रही है? सर ये चंदा कहां चली गई? ओह, चकमा देके भाग गई। लेकिन गई तो कैंप की तरफ है, देखते हैं। अभिजीत सर। अभिजीत? अरे अभिजीत, क्या हुआ? कहाँ थे तुम लोग? हम लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे, अचानक गायब हो गए। इधर आई क्या कोई लड़की? नहीं सर, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। गई कहाँ? सर जल्दी आइए, कोई खीर बना रहा है। ये छोटो खीर नहीं है, ये बेवकूफ है, अफीम का नशा है। चलो भागो, अफीम का धुआं है। भागो भागो, मास्क पहनो, चलो कम। अफीम और कपूर जलाने से क्या होता है ये तो सबको पता चल गया। अब ये देखते हैं कि सीआईडी के थप्पड़ से क्या होता है। इस पूरे खेल में मेरा काम सिर्फ लोगों को बेहोश करना था, अफीम और कपूर के जरिए। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। अभी अभी बता दो, ये सारा खेल कौन खेल रहा है? जुलाकी।
मगर वो कोई आत्मा वत्मा नहीं है, आम इंसान ही है वो। वो हमें पता है। तुम ये बताओ, ये डर का कारोबार क्यों फैला रहा है जंगल में? कौन सा खुफिया काम चल रहा है यहाँ पे? वो सब मैं नहीं जानती, मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। मुझे तो वहां बबलू ने काम पर रखवाया था। कौन बबलू? बबलू टीका, वो जुलाकी के गिरोह में शामिल है, मगर अब तक तो वो जंगल से निकल चुका होगा। और ये इस चम्मच पर जो हरा केमिकल लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानती हो? मैं नहीं जानती सर। सर, ये जुलाकी उस आम केमिकल को किसी दूसरे चीज के साथ मिला के घातक बना रहा है। बिल्कुल तारिका, ऐसा ही है। वो बच्चे और उनके माँ बाप कहाँ हैं? वो सब ठीक तो है ना? जिंदा है ना वो? पता नहीं, कल रात जुलाकी उन्हें मारने जाने वाला था। मैं नहीं जानती कि बच्चे और उनके माँ बाप वो लोग जिंदा है या नहीं। ऐसा का फोन नहीं लग रहा, और नहीं निखिल का। इससे पहले देर हो जाए हमें वहां पहुंचना होगा। कच्चा टोबा। झाड़ पे तो कोई निशान नहीं है। निशान झाड़ पे आके खत्म हो गया। सर, फिर आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा? सफेद पत्थर, नहीं किसी तरफ नहीं है, सिर्फ ये इस तरफ जा रहे हैं। लगता है आगे जाने का ये पत्थर निशान है। हाँ सर, जंगल में कहीं और ये सफेद पत्थर दिखे नहीं। संभाल के सर। हाँ, लगता है ये खास तौर से रखे गए हैं। वो देखो, जंगल के बीचों बीच टेंट। चलो होशियार रहना। जंगल के बीचों बीच ये मिनी लैब कहां से आ गया? सर, यहां का माहौल देख के लग रहा है कि कुछ बड़ा रिसर्च कर रहे हैं लोग। लगता है उस हरे रंग के केमिकल से यहां पर कोई आविष्कार कर रहा है। एक काम करो, चेक करो, देखो क्या मिलता है। Thank you.
सर। कैप्सूल मिला है। क्या हुआ सर? ये ड्रग है, इसका मतलब उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पे नशीली ड्रग बनाई जा रही थी। अब समझ में आया उस जुलाकी का दहशत क्यों फैलाई गई है यहाँ पर, ताकि ये ड्रग का भांडा ना फूटे। सर क्वांटिटी देख के लग रहा है कि करोड़ों का माल होगा, इसीलिए तो इंसानों की जिंदगी सस्ती हो गई अब। सर ये आवाज कैसी? अरे आइए आइए, मुझ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब तुझे होगी, चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले कर। मुझ तक पहुंचने का सपना मत देख, पहले ये सोच कि इनको कैसे बचाएगा और अपने आप को। मारो इसे। पंकज ढूंढो बच्चे कहाँ हैं। तो जान चुके हैं आप, मैं जुलाकी की अफवाह इसलिए फैलाना चाहता था ताकि मेरे 80 करोड़ के ड्रग के धंधे को अरबों तक पहुंचा सकूं। और इस गंदे इरादे के बीच में जो कोई भी आया उसे रास्ते से हटा दिया तुमने। हाँ, फिर वो सीआईडी वाला हो या कोई भी भूला भटका इंसान। कच्चा तौबा में अपना आतंक फैलाना चाहता था, आतंक, लेकिन तुम सीआईडी वालों ने मेरी मेहनत को पूरा मिट्टी में मिला दिया। अरे नहीं नहीं, कहाँ मिट्टी में, कहाँ मिला दी, तुम्हें तो इनाम देगा कानून है? और इनाम मिलेगा तुम्हें फांसी का फंदा। शुक्रिया साहब, आप लोगों की वजह से वो जुलाके का खौफ खत्म हो गया। हाँ सर, आपने हम सबको बचा लिया, पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है, पर अफसोस इस बात का है कि उस जुलाके की वजह से कुछ लोगों की जानें चली गई, काश हम उन्हें भी बचा पाते। और आप लोग ध्यान रखिए, बिना सोचे समझे आप वहां पर विश्वास मत कीजिए। आपके दिलों का जो खौफ है ना, उसी का फायदा अपराधी लोग उठाते हैं। विश्वास कीजिए लेकिन सच्ची और सही बातों पे। याद रखिए, आपका विश्वास ही आपकी ताकत है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।